गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के विषय में। पत्र लेखन, पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में पढ़ेंगे, उसका प्रारूप देखेंगे। अनौपचारिक पत्र होता क्या है? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे माता पिता, सगे संबंधी, मित्र आदि को पत्र लिखना, ये अनौपचारिक पत्रों में आएगा। अब अनौपचारिक पत्र लिखते कैसे हैं, उसका प्रारूप देखिए। मैंने आप लिखा है, सबसे पहले बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे, उसके बाद नीचे दिनांक लिखेंगे, इसके बाद उसके नीचे जिसे पत्र लिखने हैं उससे संबोधन लिखेंगे, उसे संबोधित करते हुए लिखते हैं, जैसे कि प्रिय, अनुज, पूज्य, पिताजी आदि, ये सब संबोधन में लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे अभिवादन करेंगे, उसका अभिवादन में जैसे नमस्कार, प्रणाम, ये सब शब्द लिखेंगे। इसके बाद संदेश लिखेंगे या कारण, जो भी कारण है पत्र लिखने का वो लिखेंगे। इसके बाद अन्य सूचनाएं लिखेंगे। सूचनाओं में पहले जो अनुच्छेद होगा उसमें पत्र लिखने का पहले तो ये कारण हो गया, उसके बाद में अगले अनुच्छेद में विषय को विस्तार दिया जाएगा, जो भी कारण है उसका विस्तार करेंगे। अंतिम अनुच्छेद में एक दो वाक्यों से समापन करते हुए अन्य सदस्य के प्रति अभिवादन लिखा जाएगा, ये समापन होगा। उसके बाद पत्र पाने वाले से संबंध लिखा जाएगा, जैसे कि तुम्हारा मित्र, आपकी पुत्री, जैसे एंड जब करते हैं, समाप्त करते हैं हम पत्र लिखकर, तो लिखते हैं ना कि तुम्हारा मित्र या आपकी पुत्री या तुम्हारा सखी, है ना, इस तरह से तुम्हारी सखी, आपकी भतीजी, इस तरह से कुछ भी, जो भी आप जिस रिश्तेदार को भी लिख रहे हो तो उससे संबंध अपना लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे अपना नाम, पत्र लिखने वाले का नाम, आप पत्र लिख रहे हैं तो उसका नाम लिख दिया जाएगा। यह आपका अनौपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप होगा। समझ में आया बेटा? ओके, धन्यवाद।